और कंग्रेचुलेशन यहाँ आने के लिए। हमारे जो मिश्रा भाई हैं, इन्होंने मुझे आज सरप्राइज दे दिया। कभी खास कर से बर्थडे मनाने का टाइम, एक दिन निकालने का टाइम मैंने आज तक कभी मनाया नहीं, मगर हमारे मिश्रा जी ने बोले कि कल जो लोकसभा में जो बिल पास हुई वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, उस बिल के बारे में भी जो है हम लोग मुबारकबादी पेश करना है देश के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आते ही इतना बड़ा सरप्राइज, सब लोगों को कॉल कर दिए, सब लोगों को बुला दिए, और ये नहीं बल्कि पूरे स्टेट से इंडिया के सबको दो दो को जो है सबको इन्वाइट कर दिए हैं, और सबको यहाँ देख कर बहुत ही खुशी हो रही है। एक आज विशेष दिन, विशेष उत्सव का दिन है, और कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, आज राज्यसभा में शायद कुछ ही देर में पास हो जाएगा। इसके लिए भी समस्त मेरी माताओं बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाकर के उनका स्वागत करें। सम्मान, गुड इवनिंग। टुडे इट इज वेरी गुड डे। और महाराज बोला और एमएलए साहब बोला, सो महिला बिल पास हो गया, सो रियली ग्रेट। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर इन द ईव ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ डॉक्टर नौशीना शेख। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड शी स्टार्टेड फॉर एम्पावरमेंट, शी मेड फॉर एम्पावरमेंट। छह बच्ची को लेके शी स्टार्टेड हर करियर, मेड देम टू स्टडी। From that level, she built an empire. Today in India is international also. मैं यही कहना चाहूंगी कि देश में महिलाओं के लिए 30% बिल के लिए जो हमारे 442 लोकसभा मेंबर्स ने वोट देकर जो उस बिल को आगे कर दिया, उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। उसके साथ साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस वो बिल को आगे बढ़ाए, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मुझे लगता है कि पूरा देश में एक अच्छा सा बदलाव आ जाएगा, और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी ये ताकत बनेगी। मैडम, ये 20 साल से आप लड़ाई लड़ रही थी महिलाओं के लिए, जो देश में बदलाव आएगा तो महिलाएं खाना बनाना छोड़ देंगी क्या? जी, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि महिलाएं खाना बनाने के लिए पैदा होगी। लिखा है कहीं पर किसी किताब में लिखा है कि महिलाएं खाना बनाने पैदा हुई है? महिलाएं खाना बनाने पैदा नहीं हुई है। जैसा मर्द कमा कर खाना बनाने वालों को रख सकते हैं, वैसा औरत भी कमाती है तो वो बनाने वालों को रख सकती है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मर्द भी खाना बनाते हैं, बहुत सारे जगह होटल में मर्द भी खाना बनाते हैं, सब जगह ये करते हैं। बड़े बड़े शेफ हैं जिनकी सैलरी 5 लाख है, खाना बनाते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उसमें जो है कि औरत को कहीं खाना बनाने के लिए नहीं पैदा किया गया है, औरत खाना भी बना सकती है और देश भी चला सकती है। मैं ये जो सपना जैसे देखा था, तो ये सपने के बाद में आपने भी देखा था मेरे साथ कितना गलत किया गया, कितने गलत FIR हुए, कितना मुझे लूटने की कोशिश की गई, कितनी बार मुझे अरेस्ट किया गया, 29 टाइम अरेस्ट किया गया, और बहुत सताया गया। और वो वापस लेने के लिए, पार्टी को डिसॉल्व करने के लिए, महिला एम्पावरमेंट पार्टी को ख़त्म कर देने के लिए पूरे कोशिशें करे, मगर मैंने कदम खींचे नहीं हटाया, और मैंने लड़ाई की, और जस्टिस में मुझे इंसाफ मिली। आज भी मुझे मेरे देश पर, मेरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, मेरे देश के जजेस पर, मेरे देश के लॉ पर, मेरे देश के लोगों पर मुझे भरोसा है कि इंसाफ जरूर जीते। आज मेरी बड़ी जीत हो गई। मैं पूरे देश के महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप बड़े खुशनसीब हो, 2023 में आपको 33% लोकसभा राज्यसभा में जो है हिस्सेदारी मिल गई है, और आपको सीट पर बैठ कर देश को चला सकती हो। मैं वो ख्वाब देख रही हूँ, और सारे महिलाएं जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम करे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उनके साथ में खड़ी रही। अरे भाई, पास करने के लिए 25 साल लगा दिए थे, पास करने के लिए 25 साल लगा दिए थे, अब पास हो गया तो बनाने में कितने दिन लगेगा? 10 दिन में बन सकता है इंशाल्लाह। चैनल से माध्यम से तमाम महिलाओं को जीत हुआ, इसके लिए हार्दिक शुभकामना बधाई। दूसरा, हमारी मांग भी सब पहले थी, संघर्ष किया, मोदी जी ने उसको पास किया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत
धन्यवाद देता हूँ और बहुत खुशी के माहौल है। मैं काफ़ी अपने आप में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज के डेट में महिला ने चांद में पहुँच गया और राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इससे भी आज के भी डेट में और पहले भी महिला ऐसा नहीं है कि लेकिन उस स्थिति में नहीं थी जो आज उन्होंने पहली बार की। इसके लिए काफ़ी मेरी खुशी, काफ़ी मैं खुश हूँ और हमारी पार्टी का स्वयं के बारे में आपको जो पोस्ट मैं महामंडेश्वर स्वामी प्रकाश बाबा बैजनाथ था। बिल तो पास बहुत पहले हो जाना चाहिए, आज तक बिल रुका हुआ था, कोई अट्टहास दिखा नहीं पाए। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी बच्ची आगे बढ़े, हमारे बहू आगे बढ़े, हमारी माँ आगे बढ़े, सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई आगे बढ़ नहीं रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को सफलतापूर्वक कल बिल पास हुआ जो जन्मों जन्मों तक यह यादगार पल होगा, इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। सभी ने एक ही बात कही कि जो महिलाओं के बीच मास हो गया और खासकर जो लोग रह गए थे इसमें उनके भी कोई कैंसो बोलते उनके लिए बहुत चलाएंगे। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।